तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। और फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक वायरलेस माइक जो यूट्यूबर के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और यहाँ पे जो है काफ़ी लोग यूट्यूब पे वायरलेस माइक लेने के लिए यहाँ पे 20-20 हज़ार रुपये तक का माइक खरीदते हैं। पर मैं आज आपके लिए बहुत ही बजट में, ये केड इसका ब्रांड नेम है फ्रेंड्स, बहुत ही कम बजट में आपको मैं ये वायरलेस माइक लेकर आया हूँ। तो इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और इसकी क्वालिटी देखेंगे और इसकी वॉइस क्वालिटी देखेंगे कि कितनी अच्छी इसकी क्वालिटी है। क्योंकि फ्रेंड्स, एक कॉलर में जो मैंने माइक लगा रखा है, यह है बोया का M1 जो मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ। तो आज एक साथ इसी वीडियो में हमें तीन वॉइस टेस्टिंग करने का मौका मिल रहा है फ्रेंड्स। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और नॉलेजबल होने वाली है, क्योंकि जो मेरे पास फ़ोन है फ्रेंड्स, ये सैमसंग का M51 है और यहाँ पे डायरेक्टली मैं इसके माइक से वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो आज ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, किस माइक में हमें नॉइज़ ज़्यादा आती है और यहाँ पे मैं किस माइक में हमें सबसे ज़्यादा जो है अच्छी आवाज़ आती है। तो ज़्यादा देरी नहीं करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना, क्योंकि यहाँ पे आपको अनबॉक्सिंग रिलेटेड वीडियो मिलता रहता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे सामने यहाँ पे एक बॉक्स रखा है जहाँ पे लिखा हुआ है K8 वायरलेस माइक। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये K8 वायरलेस माइक लिखा हुआ है और यहाँ पे हमें जो है टाइप सी में मिल जाता है। और यहाँ पे कुछ लाइव शो, इंटरव्यू या ब्लॉग शॉर्ट्स, वीडियो वगैरह आप बना सकते हैं। और यहाँ पे जो इसकी अगर मैं बात करूँ तो इसके लोगों से, तो ये वाईफाई से ऑटोमेटिक कनेक्ट कर लेता है। इसके पीछे की बात हम करें तो यहाँ पे कुछ इसके फीचर्स दे रखे हैं, जैसे प्लग एंड प्ले और 20 मीटर की डिस्टेंस। तो ये बहुत अच्छी फीचर्स है इसमें। बाकी इसको अनबॉक्स करके देखते हैं कि हमें इसमें किस क्वालिटी का यहाँ पे प्रोडक्ट मिलता है। तो इसको मैं अनबॉक्स करता हूँ। और इसकी अगर पैकेजिंग की बात करी जाए तो पैकेजिंग काफ़ी अच्छी है और काफ़ी ठीक ठाक लगी है मुझे। इसको रैपर से निकालने के बाद हमें यहाँ पे कुछ एक गाइडलाइन मिल जाती है, एक मैनुअल, यूज़र मैनुअल मिल जाती है और हमें एक कंटेंट मिल जाता है। आप देख सकते हैं एक इसका रिसीवर है और एक इसका माइक है। ये फ्रेंड्स यहाँ पर रिसीवर है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये रिसीवर है। तो ये रिसीवर है आप देख सकते हैं, और यहाँ पर जो है टाइप सी कनेक्टिविटी है। उसके बाद यहाँ पर मैं क्या देख रहा हूँ कि इसके अंदर एक टाइप सी जो है कनेक्टर आया है जो आईफोन में कनेक्ट होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे टाइप सी कनेक्टर है, ये देखिए ये टाइप सी कनेक्टर है जो आईफोन में कनेक्ट होगा। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि साथ में इन्होंने जो है आईफोन का भी ख्याल रखा और इन्होंने साथ में कनेक्टर दिया। तो ये रिसीवर एक कनेक्टर है। और उसके बाद यहाँ पर जो मेन है माइक, जो आपके कॉलर में लगेगा, वो इस तरह से आप देख सकते हैं, ये कुछ इस तरह से है। तो ये कोई की नहीं है, आपको दिख रहा होगा, पर ये बस ऐसी हैंडल करने के लिए है। और एक यहाँ पे जो है नॉइस कैंसिलेशन माइक दे रखा है एक यहाँ पे, और ये जो है नॉइस को रिड्यूस करने के लिए यहाँ पे जो है एक जो यहाँ पे ऊपर से कवर लगा रखा है। और ये इसको आप कॉलर में डाल सकते हैं। और यहाँ पे ये ऑन ऑफ का इसका बटन है, तो यहाँ पे जैसे इसको ऑन ऑफ किएंगे तो इसका एक बटन है फ्रेंड्स। तो बस यही था। बाकी इधर साइड में देखते हैं तो एक जो यहाँ पे हमें जो एक चार्जर अडेप्टर या हो सकता है कि डाटा केबल मिल जाए। तो ये डाटा केबल का एक लोगो है, इसको भी ओपन हम करके देख लेते हैं। तो इसको मैं ओपन करता हूँ तो इसमें हमें जो है ज़्यादा कुछ नहीं मिलता, एक डाटा केबल मिलती है जो टाइप सी है। तो अगर मैं इनकी बिल्ड क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर इसकी जो क्वालिटी है, जो प्लास्टिक क्वालिटी है, वो मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग लगी और काफ़ी मतलब यूनिक सी लगी। क्योंकि ऐसा नहीं लग रहा जैसे कि हाँ ये बहुत लोकल सी चीज़ है और ये मैंने ऑनलाइन परचेज किया। अगर आपको ये पसंद आता है तो आप इसको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दें, वहां से आप खरीद सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो है हमारे पास पार्ट्स आ गए, आप देख सकते हैं। और इसको जो मैं कनेक्ट करता हूं फोन में, तो अभी जो आवाज चल रही है फ्रेंड्स, वो बोया M1 की चल रही है। तो तीनों को मैं अलग अलग टेस्टिंग करूंगा। फिलहाल ये बोया M1 से जो रिकॉर्ड हो रहा है, आप चेक कर सकते हैं, ये M1 से रिकॉर्ड हो रहा है। और मैं जो बोल रहा हूँ उसकी आवाज आप मुझे थोड़ा बताना कि कैसी लगी। अब इसको मैं कनेक्ट करता हूँ तब मैं आपको बताता हूँ कि इसकी आवाज हमें कैसी लगती है। तो फ्रेंड्स, अभी जो आवाज आ रही है फ्रेंड्स, वो आपको इस माइक से आ रही है। तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि इस माइक की अच्छी आवाज है या जो मैंने बोया M1 माइक ये यहाँ पे जो है पहले से लगा रखा था, इसकी अच्छी आवाज है या फिर अभी जो मैं बोलूंगा फ्रेंड्स, अब इस फोन की आवाज आएगी। तो फ्रेंड्स, अभी जो आवाज सुन रहे हैं आप, वो इस फोन के माइक की सुन रहे हैं जो मैंने इसमें रिकॉर्ड की है। तो आप मुझे बताइएगा कि इस फोन की अच्छी आवाज है या फिर इस बोया जो मैंने माइक खरीदा है वायरलेस वाला, या इसकी अच्छी आवाज थी या फिर इस बोया M1 की अच्छी माइक की आवाज थी। तो ये सारी चीजें मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना कि किसकी माइक की आवाज सबसे यहाँ पे स्मूथ और सबसे साइलेंट, यानी कि जो नॉइस को ना पकड़ती हो,
जो यहाँ पे बहुत ही अच्छी आवाज निकालती होगी। जो माइक मुझे उसकी कमेंट्स करके जरूर बताने के किसकी आवाज सबसे ज्यादा अच्छी है। तो अब टेस्टिंग करेंगे हम कि ये कितनी दूर तक ये वॉइस को कनेक्ट कर सकता है। हालांकि डॉक्यूमेंट में यहाँ पे 20 मीटर तक दे रखा है, तो मेरी जो छत है फ्रेंड्स वो 20 मीटर से ज्यादा ही है, तो वहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि 20 मीटर तक ये वर्क करेगा या उससे भी ज्यादा ये वर्क करेगा। तो चलिए दोस्तों टेस्टिंग कर ही लेते हैं। मैं अपनी छत पे हूँ और यहाँ पे मैंने जो है माइक लगा लिया और यहाँ पे एक्टिवेटेड है, और अभी मैं जो अपने जो फोन से जो मेरे फोन में शूट हो रही है उससे मैं 5 मीटर की दूरी पे हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि अभी भी आपको अच्छी खासी आवाज आ रही होगी, और मैं अभी थोड़ा सा घूम के मैं और थोड़ा सा पीछे जाता हूँ तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं अब जो है 10 मीटर की दूरी पे पहुंच चुका हूँ। तो मुझे बताइए कि 10 मीटर तक अभी परफेक्टली आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है। अभी और थोड़ा मैं पीछे जाता हूँ और घूम के भी जा रहा हूँ, देखते हैं कि आवाज ये जो है डायरेक्टली करता है। बीच में कोई अगर ब्रेकर आ जाए तो हो सकता है कि यहाँ पे जो है आवाज भी जो है यहाँ से कट हो जाए। तो अभी मैं लगभग 15 मीटर से 17 मीटर की दूरी पे हूँ और यहाँ पे भी मुझे बताना कि कैसी आवाज यहाँ पे आ रही है। बाकी अगर मैं घूमता हूँ तो यहाँ पे वॉइस कट होती है या नहीं होती है, घूमने से हो सकता है कि इसकी रेंज ना मिले आपस में। और मैं फाइनली जो है यहाँ पे कम से कम 22 मीटर में यहाँ आ गया हूँ, और 20 से 22 मीटर की दूरी है। तो यहाँ पे भी आप देखना कि मेरी आवाज कितनी क्लियर आ रही है, और यहाँ पे जो है छत पर हूँ और छत पे काफी ज्यादा हवा चल रही है, तो इससे ये भी पता लग जाएगा कि यहाँ पे जो है कितनी नॉइज इसने रिड्यूस करी और कितनी अच्छी क्वालिटी में इसने वॉइस को जो है आउटपुट दिया है। तो बस यही है, अगर आपको ये माइक अच्छा लगता है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देते हो, वहां से आप परचेस कर सकते हैं। अगर इसमें अगर काफी अच्छी खासी साउंड अगर यहाँ पे आ रही है, नॉइज इसने रिड्यूस कर दी है, तो ये कम पैसे में बजट में सबसे बेस्ट माइक मुझे लगा है जो वायरलेस है और यहाँ पे तार की कोई झंझट नहीं है। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसी अनबॉक्सिंग रिलेटेड वीडियो मिलती रहती है। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलता हूँ ऐसा यूनिक वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।